और कर लेते हैं बड़ी खबर का। देश में कोरोना संक्रमण की बेकाबू रफ्तार का कहर लगातार जारी है। एक तरफ जहां कोरोना मरीजों का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है, तो वहीं कोरोना के कारण मौतों की संख्या में भी इजाफा देखा जा रहा है। पिछले 24 घंटे में देश में 3,23,000 कोरोना केसेस सामने आए हैं। भारत में कोरोना के एक्टिव केसेस अब 28,74,000 के पार पहुंच गए हैं। पिछले 6 दिनों में देश में 3,00,000 से ज्यादा केसेस सामने आ रहे हैं। बता दें कि भारत में संक्रमितों का आंकड़ा 1,76,00,000 के पार पहुंच गया है, जबकि 24 घंटे में 2,762 मरीजों की मौत हो चुकी है, जिसके साथ ही अब मौतों का आंकड़ा करीब 1,97,880 पहुंच गया है। पिछले कुछ दिनों में लगातार पॉजिटिव मामले बढ़ने से साथ ही कोविड 19 मरीजों के ठीक होने की दर में भी तेजी से गिरावट आई है। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा केसेस 48,700 नए केसेस सामने आए हैं, तो वहीं दिल्ली में लॉकडाउन के बावजूद 20,201 मरीजों की पहचान हुई है। वहीं यूपी में 33,551 कोरोना संक्रमित मिले हैं। इसी तरह केरल में 21,890, कर्नाटक में 29,744 केसेस सामने आए हैं। पश्चिम बंगाल में भी कोरोना के केसेस बढ़ने लगे हैं, यहां पहली बार 15,992 कोरोना के केसेस सामने आए हैं। कोरोना का कहर लगातार जारी है और रफ्तार से अपने पैर पसारते हुए नजर आ रहा है कोरोना। देश में 24 घंटे में 3,23,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। वहीं 2,762 लोगों ने कोरोना के चलते देश में 24 घंटे में अपनी जान गंवाई है। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 48,700 नए केस सामने आए। वहीं दिल्ली में लॉकडाउन के बावजूद भी 20,000 से ज्यादा केसेस सामने आए हैं। उत्तर प्रदेश में 33,000 से ज्यादा केस सामने आए हैं।